जेई मेन 2019 में रिएक्शन मैकेनिज्म में खासतौर पे E2 एलिमिनेशन का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन कार्बनों का एक चेन है जिसमें 2 पर फिनाइल है, 3 और 5 पर डाइब्रोमो है, ठीक है ना. एल्कोहलिक KOH के एक्सेस में इसको हीट किया है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जाहिर है दोनों तरफ से एलिमिनेशन होकर E2 रिएक्शन होगी और डाइईन बनने वाला है. अब अपने को ये ढूंढना है कि डाइईन कहाँ बनेगा, क्या है? डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ बन जाएगा, ऑप्शन ए है. क्या एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये ऑप्शन बी है. क्या एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ कॉन्जुगेशन में बन जाएगा, वो ऑप्शन सी है. और क्या एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ कॉन्जुगेशन बन जाएगा, वो ऑप्शन डी है, ठीक है ना. ये चेक करना है, चेक करते हैं. देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अगर यहाँ पे pH ले लें और यहाँ पर एक ब्रोमो है, 2 पर pH है, 3 पर ब्रोमो है, 4 को छोड़कर 5 पर ब्रोमो है. हमने अब उस स्ट्रक्चर को इस तरह से रीराइट कर दिया. आप देखें अगर E2 रिएक्शन होती है, अगर E2 रिएक्शन होती है तो एक बीटा एच यहाँ पर है. पहले वाले ब्रोमो के लिए देख लें, एक बीटा एच यहाँ पर है और 2 बीटा एच यहाँ पर है. लेकिन आपको पता है कि E2 रिएक्शन जो है वो सिटजेफ रूल को फॉलो करता है और ज़्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनता है. तो यहाँ से तो ये H निकल के और ये वाला बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा. और क्योंकि एक डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है इसलिए इस वाले ब्रोमो पर भी दूसरा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में बने तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ बनेगा. तो आप देखें दोनों ही केसेस में एक डबल बॉन्ड यहां आएगा और एक डबल बॉन्ड यहां आएगा, यानी दोनों ब्रोमो जो है वो अपने बीटा पोजीशन से डबल बॉन्ड तो बनवाएंगे, लेकिन वो डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो फायदा होगा. और ना केवल कॉन्जुगेशन में हो, क्योंकि एक ऑप्शन और है जहां पर कॉन्जुगेशन हो सकता था. देखो कैसे एक डबल बॉन्ड यहां बनता और एक डबल बॉन्ड यहां बनता, तो ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होते, लेकिन तब फिनाइल का एडवांटेज ना मिलता, क्योंकि जो फिनाइल है इसके साथ इस डबल बॉन्ड का एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है. तो आप देखें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन यहां पर है और उसी के कॉन्जुगेशन में ये और ये डबल बॉन्ड और आ गए, कितना स्टेबल प्रोडक्ट है. बस समझ भाई, तो दोनों ब्रोमाइडों के रिस्पेक्ट में एक्चुअली E2 रिएक्शन तो होगी, लेकिन उस E2 रिएक्शन में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि क्योंकि E2 रिएक्शन इस वाले बीटा कार्बन से भी हो सकती है और इस वाले बीटा कार्बन से भी हो सकती है, तो हमें यह देखना है कि किधर से जो एल्कीन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा. और क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, तो अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाए तो उनके बीच में आपस में भी कॉन्जुगेशन होगा, और एक अल्टरनेट पर pH है, उस pH का एडवांटेज लेने के लिए अगर डबल बॉन्ड यहां से ही बने तो और ज्यादा बेहतरीन बात है, ठीक है ना. सो दिस एल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एज सच, एंड दैट्स व्हाई आवर आंसर फॉर दिस रिएक्शन विल बी, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. प्लीज नोट करें.